हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेटेस्ट डिस्कशन रिसेंटली विच थ्री नेम्स वर नेिवन टू द अंडर वाटर स्ट्रक्चर इन द इंडियन ओशन इंडियन ओशन में जो अंडर वाटर स्ट्रक्चर है दैट इज रिज आ, उसका नाम क्या दिया गया है तो इसका नाम दिया गया है अशोका चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु आंसर इज ए ये नाम जो है ये प्रपोज किया गया है इंडिया के द्वारा और अप्रूव किया गया है इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड और यूनेस्को गवर्नमेंटल ओशनियोग्राफी कमीशन के द्वारा भारत के किस राज्य में वायरस अमेबिक मैनिंगो एनसेफ्लाइटिस मिला है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हेज़ द वायरस एम एबिक मैनिंगो एनसेफेलाइटिस बीन फाउंड तो ये मिला है कहाँ पर ये मिला है केरला में आंसर इज ए भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच आर्मी किस कंट्री की आर्मी के साथ तो ये इंडिया और श्रीलंका के साथ आ, मिलकर कर रहा है और ये इसका दसवां एडिशन है और इसकी होस्टिंग इस बार कर रहा है श्रीलंका हाल ही में चर्चा में रही लेक टुरकाना Uh, किस महाद्वीप में स्थित है रिसेंटली इन विच कॉन्टिनेंट इज रिसेंटली न्यूज में है लेक तुर्काना और ये लोकेटेड है कहाँ पे अफ्रीका में और ये न्यूज में है क्योंकि यूनेस्को एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस झील का सर्वेक्षण किया है हाल ही में किस राज्य में कंदील पुष्प पौधे की प्रजाति सेरोपेगिया सिवराया की खोज की गई है तो रिसेंटली इन विच स्टेट हैज़ द स्पेसीज ऑफ कैंडल फ्लावर प्लांट सेरोगेपिया सेरोपेगिया सीवरान्या बीन डिस्कवर्ड तो ये डिस्कवर्ड हुआ है महाराष्ट्र में आंसर इज सी लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया हु तो इसको पेश किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा आंसर इस डी हाल ही में किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रेनिंग के लिए ई सूज विकसित किए हैं विच आईआईटी आई टी डेवलप्ड ई सूज आई आई टी इंदौर ने आंसर इस वेनगंगा नलगंगा नदी यो जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है विच स्टेट है वेनगंगा नलगंगा रिवर इंटरलिंग प्रोजेक्ट तो ये मंजूरी प्रदान की गई है महाराष्ट्र के द्वारा आंसर डीबीएस बैंक की पहली महिला सीईओ कौन बनी है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सीईओ ऑफ़ डी बैंक तो ये बनी है तान सुन आंसर इज पी राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत न्यूजीलैंड के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोले गया इंडिया विल ओपन ए कॉन्सुलेट इन विच न, आ, इन विच न्यूजीलैंड सिटी टू तो स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज तो ये आ, जो खोल रहा है ये ऑकलैंड में खोल रहा है आंसर इज डी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड कारगिल पैकेज फॉर अग्निवीर तो कारगिल पैकेज अनाउंस किया गया है किसके द्वारा राजस्थान के द्वारा आंसर इज एन आई आर एफ रैंकिंग दो हजार चौबीस के अनुसार देश का मैनेजिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है अकॉर्डिंग टू द एन आई आर एफ रैंकिंग दो हजार चौबीस विच इज द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन द कंट्री द बेस्ट मैनेजिंग इंस्टीट्यूट है आई आई एम अहमदाबाद हाल ही में किसने मी डेविस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है हु हैज़ लॉन्च द मी डेविस प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम मीडाविस का और इसको लॉन्च किया गया है डब्ल्यू एच ओ के द्वारा आंसर डी सैयद रिफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं सैयद रफत अहमद हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच कंट्री तो न्यू चीफ जस्टिस बने हैं ये बांग्लादेश के इज सी हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है हु हैज लॉन्च्ड ब्रेल डेबिट कार्ड फॉर विजुअल इंपेयर्ड कस्टमर कस्टमर तो ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री निजत मोइन ना असोनी योजना शुरू की है विच स्टेट लॉन्च द चीफ मिनिस्टर ने मोइना असोनी स्कीम तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा असम के द्वारा 2026 तक बाल विवाह को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है इसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाएंगे okay. विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना टू पॉइंट ओ स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि को पाँच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है और इसमें जो मिनिस्ट्री शामिल है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आंसर इज बी हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई है अंडर विच मिशन हैज द मिलियन डिजाइनर बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव बीन लॉन्च रिसेंटली तो ये लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आंसर इज ए हाल ही में किसे जुलाई 2024 माह के लिए ICC सी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द ICC सी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2024। तो ये चुना गया है जैसे इनका नाम है चमारी अटापट्टू और ये बिलोंग करती हैं श्रीलंका से हाल ही में सी जी राजगोपाल का निधन हो गया है वो क्या थे तो सी जी राजगोपाल एक लेखक थे इनका अभी अभी तिरानवे वर्ष की उम्र में निधन हो गया इन इन्होंने श्री रामचरित मानस को अनुवाद किया था हिंदी से मलयालम में दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू